हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर संगीता मैम जो कि विंग कमांडर है, जो कि आपको मोटिवेट करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू हमारे जो इंडियन आर्मी के सोल्जर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। दोस्तों काफी सारी आप सभी की रिक्वेस्ट आई है, तो कुछ हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। फर्स्ट जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये प्रूफ दिखाना काफी कंपलसरी हो गया क्योंकि कई सारे फेक वीडियोस बन जाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको दिखा दो अच्छे से आप देख सकते हैं। आपसे जैसे कैंडिडेट्स हैं जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को, जिन्होंने अच्छे अच्छे गेम खेले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल पे, और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की जो वैकेंसीज निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए, जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसका 2018 का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हम डेट के बारे में बात कर लें, 22 जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर 22 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये नवंबर तक रहने वाले हैं, 19 नवंबर तक इसकी वैकेंसीज रहने वाली है। तो उसके बाद में हम बात करें, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मीन्स आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका कोई भी पेपर सीट वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो कि आपका 1 फरवरी से आपका 6 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो आगे की जानकारी देखते हैं, जैसे कि ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज निकली है, और जो वैकेंसीज ये है इसमें जो कास्ट है उनको रिजर्व किया गया है, जो रिजर्व कास्ट है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईएसएम पीडब्ल्यूडी इनको रिजर्व कैटेगरीज में दिया गया है और इनकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। यदि जनरल कास्ट वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी वैकेंसीज कम है, यदि वह ज़्यादा परसेंटेज स्कोर करेंगे, ज़्यादा मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे तो ही उनके नंबर आने की संभावना है, क्योंकि फर्स्ट थिंग यहाँ पे कितनी पोस्ट इन्होंने निकाली है एसएससी वालों ने वह मेंशन नहीं की है, जिसके चलते हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसी जनरल वालों की भी हो सकती है। पर यहाँ पे ज़्यादा करके जो बताई जा रही है हर जगह, जो मैंने पूरा ये जो स्क्रिप्ट इनकी मैंने रीड की, पीडीएफ जो रीड की, तो यहाँ पे ज़्यादा करके एससी एसटी वालों की ही ज़्यादा इसके ऊपर ही जोर ज़्यादा दिया गया है और ज़्यादा ही वैकेंसी से इनके बारे में कवर की गई है मुझे लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप ईएसएम की रिजर्व की गई है ग्रुप सी के लिए पोस्ट के लिए, मीन्स अधिकतम वैकेंसीज जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए ही है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि नेशनलिटी इंडिया के आप नेपाल के सिटीजन तो भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आप यहाँ के नागरिक जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सर्टिफिकेट सारे जो ओरिजिनल प्रूफ जो होते हैं वह आपके पास होने चाहिए। जैसे कि ग्रुप सी के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज इन्होंने दी है 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर्स एज। इसमें जर्नल वाले भी आ गए, 18 to 30 ईयर्स में जर्नल वाले भी इंक्लूड है इसमें, अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 30 ईयर्स है उनकी एज तो। और ग्रुप डी के लिए 18 to 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये एज इन्होंने जितनी बताई है, अभी जो नए युवा है जिन्होंने 12th पास किए हैं और अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, उनको फाइनल मेरिट में आने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसके चलते मीन्स क्योंकि पहले से जो तैयारी कर रहे हैं तीन चार साल से जो लगे हैं तैयारी करने के लिए उनका नंबर आने की संभावना होती है। तो इसलिए यदि आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप बढ़िया दिल से तैयारी करें और बढ़िया मेहनत से आप तैयारी करें। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, इनको ऑफ दिया गया है, ओबीसी वाले को 3 ईयर्स का और फ़ायदा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी वालों को अनरिजर्व वालों को 10 ईयर का दिया गया है, पीडब्ल्यूडी ऑफ ओबीसी वालों को 13 ईयर्स का दिया गया है कंसेशन, और एससी एसटी को 15 ईयर का कंसेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का कंसेशन दिया गया है, जो ऑर्डिनरी डोमिसाइल जिनके पास है जम्मू कश्मीर की उनको 5 ईयर्स का दिया गया है, और जैसे कि कई सारे फ़ायदे यहाँ पे इन्होंने घोषित किए गए हैं जो कि यदि आप कास्ट में आते हैं तो, और जनरल वाले बंदों के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं दिया गया है, पर जो एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी जो पर्सनस हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 ईयर्स का दिया गया है, काफ़ी बहुत कम इन्होंने रिजर्वेशन दिया गया है जनरल वालों के लिए। तो जैसे कि आप पूरा रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल रखी है, वहाँ से आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्स की जैसे आपने एग्जाम के बारे में जान लिया कि फर्स्ट आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा फाइनल मेरिट के, जो वापस एक और बार आपकी फाइनल मेरिट लगेगी उसके बेसिस पे। जैसे कि और अधिक जानकारी देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या इन्होंने बताया है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट आपको दिख रही है ssc.nic.in इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपको मिनिमम 12th पास आउट होना है, यदि आपने किसी भी फील्ड से 12th पास आउट की है चाहे साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो तो भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। वेबसाइट आप नोट डाउन कर लें, साइड में एक पेन पेंसिल से आप यार नोट डाउन कर लें सही रहेगा,
तो उसके बाद में हम बात करते हैं फीस, जो कि फीस तो हर किसी को पेड करनी पड़ेगी, सिर्फ वुमेन्स को यहाँ पे कंसेशन दिया गया है। और किन वुमेन्स को कंसेशन दिया गया है वो भी हम जान लेते हैं, जो कि SC, ST, PWD, एक्स सर्विस मैन है उनको ही कंसेशन दिया गया है। OBC की जो वुमेन्स हैं उनको भी कंसेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ जो दिया गया है SC, ST, PWD वालों को। और जनरल कास्ट को भी पूरे पैसे पेड करने होंगे, 100 रुपीज़ फीस पेड करनी होगी। और जो भी अन्य कास्ट है जैसे कि SC, ST और PWD वाले या ESM के जो मैन है उनको सारी फीस पेड करनी होगी 100 रुपीज़। इसमें कोई भी छूट आपको नहीं दी गई है। लास्ट जो अंतिम तिथि है पैसे पेड करने की, चलान पेड करने की, 21 नवंबर 2018 इसकी लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक आप फीस पेड कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे कुछ सेंटर्स आपको बताए गए हैं, यदि आप भर्ती देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नोट देख लीजिएगा आपको कौन से सेंटर चूज़ करने हैं। और बात करें आवेदन किस प्रकार आप कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि हमने बता दी, पूरा ही प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कहाँ कैसे होगा देख लेते हैं, किन कैटेगरीज में होता है, क्या सिलेबस है इसका। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्वेश्चन आते हैं 50, जो कि 50 मार्क्स कवर करते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें कि 2 आवर्स 40 मिनट्स का पेपर होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड जो पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के लिए आते हैं। और इंग्लिश के लैंग्वेज और कंपेरिजन के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। जो कि टाइम ड्यूरेशन इन्होंने बता रखी है 2 आवर्स, पर इन्होंने पैरा 7 में भी कुछ कंसेशन दिया गया है जो कि 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा पैरा 7, जो कि इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद में हम बात करें तो 0.5 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बताई गई है, 0.25 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो इस बात का आपको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है इसको लेकर। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने घोषित किया गया है, जो PDF हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे जनरल अवेयरनेस के भी कई सारे क्वेश्चन जो किसके रिगार्डिंग कहाँ से आएंगे वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि इंग्लिश के भी। तो जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर, मींस जो आपका स्किल टेस्ट होता है यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइड करना होता है। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत फेल हो गई, इसलिए आप स्किल टेस्ट में भी थोड़ा परफॉर्म कीजिएगा और अच्छे दिल से आप तैयारी कीजिएगा। जैसे कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो 10 मिनट्स का होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा, जैसे कि 100 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। WPM की आपकी स्पीड होनी 100 वर्ड्स, WPM मिनट्स की आपकी सेकंड होनी चाहिए, और ग्रुप सी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। और ग्रेड डी के भी सेम ही है, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर होगा। और कुछ टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग पोस्टों के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी गई है। स्टेनोग्राफर डी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, इंग्लिश का टाइपिंग यदि आप करते हैं तो 50 मिनट्स आपको दिए गए हैं, क्योंकि 70 पैराग्राफ कुछ आपको टाइप करना होता है, तो 70 जो पैराग्राफ 7 में दिया है क्या टाइप करना होता है, कुछ पैरा होता है जो आपको 17 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है, जो कि आप अगर पैरा 7 अच्छी तरह रीड करेंगे तो आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो एक बार हम आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेनोग्राफर सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 55 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एग्जाम्स स्किल टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट सभी आपको ओरिजिनल कैरी करने होते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है फाइनल मेरिट के बेसिस पे। यदि कोई भी जनरल कास्ट से बिलोंग करता है तो उनकी जो फाइनल मेरिट है काफी हाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही PDF में नोटिस कर दिया गया है। और यहाँ पे कैसा है कि OBC वाला बंदा जनरल कास्ट में नहीं घुस सकता, और जनरल समझे आप, जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कोई पुलिस की और अन्य कोई वैकेंसीज निकलती थी तो SC वाला बंदा अपनी वैकेंसी छोड़ के जो जनरल कास्ट है वहाँ पे अपनी सीट रिजर्व करने की कोशिश करता था। यहाँ पे किसी प्रकार का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने सारी जानकारी आपके लिए कवर कर ली, तो जैसे कि आपकी जो सैलरी है 40,000 आपकी पूरी, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 40,000 आपकी सैलरी हो जाती है आफ्टर ए ट्रेनिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं जो कि आपको OMR सीट्स का कई सारे ऐसे फायदे आपको बताए गए हैं, जो कि आप एक PDF रीड कर लीजिएगा। OMR सीट बेस आपका एग्जाम नहीं होगा, पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अलग अलग सेंटर्स पे। और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं SC ST वालों को, अगर आप 40% डिसेबिलिटी है उससे अधिक है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और कई सारी कुछ नॉलेज यहाँ पे आपको दी गई है, तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फीस 100 रुपीज़ जो पेड करनी है वो
वुमेंस के लिए कौन सी SC और ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है PWD ESM इनके लिए फीस में कंसेशन दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, उसके बाद में आपको फिल करना होता है अप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में आपके फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है वह आपको वहाँ पे सबमिट करने होती है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपको देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है और कुछ ऐसी सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने होते हैं, फोटोज़ आपको अपलोड करनी होती है। ये आप पूरा PDF रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इसके लिए अप्लाई करें, यदि आपने 12th पास आउट कर ली है तो भी आप इसके लिए अप्लाई करें क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस प्रकार आपका एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपकी सारी नॉलेज की प्रोवाइड वीडियोस के आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।